गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यह है आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 5 में हम पढ़ रहे थे आवर कंट्री के बारे में। हम अपने देश के बारे में पढ़ रहे थे, इस देश की संस्कृति क्या है, इस देश में कौन सी नदियां बहती हैं, इस देश के चारों तरफ जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं हमने आपको इस एक्टिविटी के जरिए भी बताया था कल, और आज के क्लास में हम अपने देश की बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्टिविटी अगर आपने नहीं किया है तो आप जरूर कॉपी में कर लीजिएगा। बाउंड्रीज। इंडिया शेयर्स इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री with sixth of its neighboring country. इंडिया का जो बाउंड्री शेयर होता है वो 6 पड़ोसी देशों से होता है। Can you name these country? All these six countries along with India in the center forms the Indian subcontinent. इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी हमारा जो देश है वह कैसे फॉर्म होता है, तो ये 6 कंट्री को मिला करके और इंडिया साथ में मिला करके ये एक सब कॉन्टिनेंट बनाता है। एक कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा जो है इससे बनकर तैयार होता है। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिण वाला हिस्सा है, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। ए पेनिनसुला इज अ लार्ज पीस ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू अ सी और ए लेक। पेनिनसुला एक बड़ी सी धरती का एक हिस्सा होता है जो लेक और सी से घिरा होता है तीन ओर से। यहाँ पे दिया नहीं है, तीन ओर से घिरा होता है, लेकिन जो पेनिनसुला होता है वह समुद्री भाग या फिर लेक हो तो तीन ओर से जब समुद्र होता है और एक ओर से जमीन होता है तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। इट इज ट्रेंगुलर इन शेप। इसका शेप कैसा है पेनिनसुला का, तो ट्रेंगुलर है, त्रिभुज के आकार का है। द इंडियन ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। आपका हिंद महासागर जो है वो कहाँ है, तो इंडिया के साउथ में है, दक्षिण में है। द बे ऑफ बंगाल लाइज टू इट्स ईस्ट एंड द अरेबियन सी लाइज टू इट्स वेस्ट। बे ऑफ बंगाल कहाँ है, पूरब की ओर है, ईस्ट की ओर है, और अरेबियन सी कहाँ है, तो वेस्ट की ओर है यानी पश्चिम की ओर है। द मैजेस्टिक हिमालयन माउंटेन्स। अच्छा, इसको मैजेस्टिक क्यों बोला गया, क्योंकि यही हिमालय जो है हमारे देश को दुश्मनों से भी बचाता है, हमारे देश में बारिश भी कराता है, और हमारे देश का जो वातावरण आप देखते हो, ठीक है, रेनफॉल होता है तो थोड़ी गर्मी पड़ती है, थोड़ी सर्दी भी होती है, वो सभी जो है इसी हिमालय के कारण होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैजेस्टिक हिमालयन माउंटेन। अब देखिए लैंडफॉर्म के बारे में जानते हैं। एवरीवेयर इन इंडिया यू विल सी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। सभी जगह अगर हम इंडिया का लैंडफॉर्म देखें कैसा है, तो हम देखेंगे उसमें कुछ न कुछ वाटर बॉडीज जरूर हमको मिलता है, जैसे कि लेक हुआ, रिवर हुआ, ये सब जरूर पाया जाता है। देयर आर प्लेन्स माउंटेन्स डेजर्ट फॉरेस्ट सी सोर्स रिवर्स एंड लेक्स। ये सभी क्या हैं? तो जैसे कि प्लेन है, उसके बाद माउंटेन है, पहाड़ पर्वत वगैरह सब आपको मिलेगा, उसके बाद डेजर्ट एरिया जो है कुछ भागों पर है, कुछ भागों पर जंगल है, फॉरेस्ट है, कुछ भागों में समुद्र का किनारा है, तो कहीं पे रिवर है, नदी है, लेक भी है यानी कि झील,
तो ये सब जो है लैंड फॉर्म हमारे देश में पाए जाते हैं। इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ रिवर्स फॉर हैविंग न्यूमरस रिवर्स। यहाँ पे बताया है डिड यू नो में कि इंडिया जो है वह लैंड ऑफ रिवर है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे का। माउंटेन्स यानी पहाड़, यहाँ पर क्या करते हैं वो रेज्ड फीचर को दिखाते हैं, ऊंचे वाले स्थान को दिखाते हैं जो हमारी पृथ्वी पर है। सर्टेन माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड विथ स्नो, कुछ जो सबसे ऊपर है माउंटेन का हिस्सा वो है स्नो से कवर, कहने का मतलब बर्फ से ढका हुआ हिस्सा वो होता है। द हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ आर द टॉलेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। हिमालय माउंटेन जो है वह जो कि नॉर्थ में पड़ता है वह सबसे टॉलेस्ट है, सबसे लंबा और ऊंचा जो है वर्ल्ड का माउंटेन है। उसमें भी क्या है, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, और सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सा है तो माउंट एवरेस्ट है। और ये कहाँ है तो इट्स लाई इन नेपाल, यह नेपाल में है। द टॉलेस्ट हिमालयन माउंटेन पीक इन इंडिया इज माउंट कंचनजंगा। हमारा इंडिया का जो टॉलेस्ट हिमालयन पीक है वो क्या है तो माउंट कंचनजंगा है। अगर वर्ल्ड की बात की जाएगी तो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, और इंडिया की बात करो सिर्फ तो कंचनजंगा है जो कि इंडिया में है और ये सबसे ऊंचा है। द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज इज केटू, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है वह सेकेंड हाईएस्ट पीक आपका है हिमालय का। देयर आर मैनी अदर माउंटेन रेंजेस इन सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। यहाँ जो है काफी माउंटेन रेंज भी पाए जाते हैं जो कि सेंट्रल और साउदर्न इंडिया में होते हैं। दीज आर द विंध्याज, सतपुरा, अरावलीज एंड नीलगिरीज। यहाँ पे पाए जाने वाले जो माउंटेन रेंज हैं उनके क्या क्या नाम है तो पहला है विंध्याज, दूसरा है सतपुरा, तीसरा है अरावलीज और चौथा नीलगिरी।